देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 सितंबर को कोविड वॉरियर्स को संबोधित करेंगे और वैक्सीनेशन अभियान पर फीडबैक लेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने बीजेपी मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत की, सुनिए। को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा वर्चुअल माध्यम से हिमाचल प्रदेश में, लेकिन हिमाचल प्रदेश में क्या तैयारियां हैं भाजपा की, क्योंकि मंथन का दौर लगातार जारी है। सरकार अपने स्तर पर तैयारी कर रही है और पार्टी अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा। शर्मा जी, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा और संबोधन की तैयारियां जो है वो भाजपा किस तरह? देखिए, 6 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के हेल्थ केयर वर्कर्स को और जो कोरोना वैक्सीन के लाभार्थी हैं उनसे सीधा संवाद करेंगे, उनकी सीधी बातचीत करेंगे। उसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार मुख्य कार्यक्रम पीटर हॉफ में आयोजित कर रही है, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठेंगे और वर्चुअली उनका स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री जी का। हर जिला मुख्यालय पर जिलाधीश के कार्यालय में भी इस तरह के हेल्थ केयर वर्कर्स को वहाँ बुलाया जाएगा, वहां से उनका वर्चुअली संवाद होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर हर विधानसभा क्षेत्र में दो दो स्थानों पर स्क्रीन लगाकर जिनको कोरोना वैक्सीन लगी है उन लाभार्थियों को वहां बैठाकर जो प्रधानमंत्री जी का संबोधन है उसको सुनाएगी, उससे ताकि उनको उससे प्रेरणा मिल सके। अच्छा, इसके अलावा कल विधायक दल की बैठक थी, लेकिन बहुत से ऐसे जो 2017 के प्रत्याशी थे वो इसमें शामिल थे और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो थे वो इसमें शामिल थे, कई लोग जो नेता थे वो इसमें शामिल थे। क्या उसमें निकला है, किस तरह की जिम्मेवारियां जो है वो दी गई? उस बैठक में मुख्यतः इसी विषय को लेकर चर्चा हुई, योजना बनाई गई और जो मैंने कहा वही तय हुआ कि हर विधानसभा क्षेत्र में दो दो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने सराहा है हिमाचल प्रदेश को कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी हिमाचल प्रदेश ने ये जो स्थान हासिल किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उसको एक इवेंट बनाना चाहती है, इसलिए लार्ज स्केल पर उसको आयोजित करने का निर्णय लिया और उसकी विस्तृत योजना बनाई। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा। इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये कार्यक्रम होना है वर्चुअल माध्यम से, इसको लेकर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं राज्य सरकार की तरफ से भी और वहीं संगठन की तरफ से भी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। इसको लेकर हर विधानसभा क्षेत्रों में अब दो दो कार्यक्रम जो है वहाँ पर होने हैं। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।